सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रोज रोज कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आते रहते हैं। अभी हाल ही में इस केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के बाद अब चार और एक्ट्रेसेस के नाम भी सामने आए हैं। इन्हीं में एक्ट्रेस चाहत खन्ना का नाम भी सामने आया है। ऐसे में अब सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस उर्फी जावेद लगातार चाहत खन्ना पर हमले कर रही हैं। हाल ही में एक बार फिर उर्फी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चाहत पर निशाना साधा। दरअसल बीते दिनों इस मामले में खबरें सामने आई थी कि चाहत खन्ना ने ठग सुकेश से दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने सुकेश से लग्जरी बैग और घड़ियां भी गिफ्ट में ली थी। इस बारे में चाहत पर कमेंट करते हुए उर्फी ने एक तंज कसा था, जिस पे जवाब देते हुए चाहत ने भी उर्फी को दीदी बोल दिया था। इस पर अब उर्फी ने फिर से चाहत को जवाब दिया है और इसी के साथ दोनों के बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर से शुरू हो गया है कोल्ड वॉर। उर्फी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करते हुए चाहत के बारे में लिखा कि मैंने तुम्हारे तलाक के बारे में बात करने के लिए सॉरी बोला था, लेकिन किसी इंसान से जेल में जाकर पैसे और गिफ्ट्स लेने के लिए मैं सॉरी क्यों बोलूं? खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। उर्फी ने आगे ये भी लिखा कि लगता है मुझसे लड़ाई करना ही शायद तुम्हारे कैरियर की मेन हाईलाइट होगा, मगर तुम हमेशा एक गोल्ड डिगर के नाम से ही जानी जाओगी और मैं एक अजीब कपड़ों वाली लड़की के नाम से, लेकिन बाद वाला ही बेहतर है। इतना ही नहीं, उर्फी जावेद ने चाहत खन्ना के उन्हें आंटी कहने पर भी जवाब दिया। उर्फी ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा, मैं तुम्हारी उम्र की आधी हूँ आंटी, दीदी बुलाने से आप कूल नहीं बन जाएंगी। फेमस होने और लाइमलाइट में आने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करना बंद करो, जाओ बैग और घड़ियों को एंजॉय करो। गौरतलब है कि सुकेश मामले में चाहत का नाम सामने आने के बाद से ही उर्फी ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर निशाना साधा था। इस पर चाहत ने भी एक्ट्रेस को ट्रोल करते हुए कहा था कि क्या हुआ दीदी, आपने तो सॉरी बोला था, अब फिर से सॉरी बोलने का इरादा है क्या? बस कर पगली, बार बार सॉरी बोलकर रुलाएगी क्या? अब उर्फी और चाहत के बीच जारी ये कोल्ड वॉर कितने समय तक चलेगी और सुकेश चंद्रशेखर वाले केस में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और कौन कौन से नाम सामने आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको अगर एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई ऐसी खबरें और जाननी है तो हमारा चैनल ENT Live सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अनंत आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।